भाई लोगों, अगर आप लोगों के पास भी उषा क्वार्ट्ज रूम हीटर है और उसकी रॉड खराब हो गई है तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसके रॉड को बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना बदले आप इसके रॉड को बना भी सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक कुछ हटके, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये मेरा उषा क्वार्ट्ज रूम हीटर है, इसकी लाइट जल रही है लेकिन इसका कोई भी रॉड काम नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों रॉड इसके खराब हो चुके हैं। तो आज मैं इसे ही बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसे ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो साइड से ये टाइट रहता है, तो दोनों साइड से इसे ओपन करना पड़ेगा। एक साइड में इसके चार स्क्रू होते हैं, तो चारों स्क्रू को आपको खोलना पड़ेगा। तो मैं फटाफट इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं इस साइड का चारों स्क्रू खुल गया है, ये ऐसा दिखने लगा है। अब दूसरे साइड का भी चारों स्क्रू खोल देते हैं। ये देखिए दूसरे साइड का भी मैंने खोल दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे ये सारी वायरिंग यहाँ पे रहती है। तो सबसे पहले ये ऊपर का नट आपको खोलना पड़ेगा रॉड को खोलने के लिए। तो इसे आप हाथ से या फिर प्लास से खोल सकते हैं, टाइट हो तो आप प्लास से खोल सकते हैं। तो मैं प्लास से इसे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप इसकी वायर निकाल दें और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दो लॉक मिलेगा, दोनों लॉक को आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो आप पेचकस से या फिर प्लास से इसे ऊपर कर सकते हैं। तो मैं इसे खोल देता हूँ दोनों लॉक को। लॉक खोलने के बाद एक पत्ती निकलेगी, इस पत्ती को आप निकाल लें संभाल के, इससे आपका ये रॉड एक तरफ फ्री हो जाएगा। अब यही काम आपको दूसरे तरफ करना है। यहाँ पे भी हमने इसके स्क्रू को खोल दिया है, यहाँ पे वायर निकाल दी है, अब दोनों लॉक को खोल लेते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाऊँ आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद ये पत्ती निकाल देते हैं, ये निकाल दिया। उसके बाद आप रॉड को किसी भी तरफ से धीरे धीरे खींच सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं दूसरे साइड से इसको धीरे धीरे निकाल रहा हूँ और ये पूरा रॉड यहाँ पे निकल आएगा। ये मैंने पूरा रॉड निकाल लिया, आप देख रहे हैं। तो ये मेरा रॉड बेसिकली ख़राब है, ये क्वार्ट्ज ट्यूब है, ये ख़राब है। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोनों तरफ से ये खुल जाता है, ठीक है। तो इसका ख़राब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर वायर होती है, ठीक है, ये स्प्रिंग होती है और ये टूट गई है बेसिकली, यही बेसिकली काम करती है। ये अगर टूट जाएगी तो आपका रॉड जलना बंद हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ से बीचों बीच से टूट गई है, मैंने एक तरफ से निकाल लिया है और दूसरी तरफ से भी निकाल लिया है। तो अब आपको इसको जोड़ के अंदर भरना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको आप थोड़ा सा तान लें, ठीक है, तानने के बाद ताकि एक साइड से आप डालें तो दूसरी साइड से निकल आए, ठीक है। इतना लंबा आपको ये खींचना पड़ेगा, खींच के आप यहाँ पे डाल दें वापस और यहाँ पे फिर दूसरी साइड से इसको निकाल लें। दूसरे साइड से जब निकल आएगा तो दूसरा वाला जो पार्ट है आपका, दूसरा वाला साइड है, उसको बेसिकली इसमें ज्वाइन करके दोबारा टाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बस आपको एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके इसे जोर से दबा देना है, जैसे कि ये टाइट हो जाए, ठीक है, निकले नहीं, इस तरह आपको यहाँ पे दबा देना है। और थोड़ा सा उसके बाद आप इसे प्रेस करके छोटा भी कर दें, ठीक है। उसके बाद आप इसे वापस अंदर डाल दें। आप देख रहे हैं दोनों साइड से मैंने इसे डाल दिया। अब आपका ये धीरे धीरे आपको वापस इसे सेट करना है, ठीक है। तो हीटर में वापस धीरे धीरे आप लगाएं, एक तरफ का आपका खुल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप धीरे धीरे अंदर डालें और दूसरे साइड से इसको निकाल दें। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऐसे किया, उसके बाद मैं दूसरे तरफ का नट पकड़ के इस रॉड का यहाँ से अंदर निकाल लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों साइड से इसके ट्यूब को अंदर डाल दूँगा और बिल्कुल सेट कर दूँगा। यहाँ मैंने सेट कर दिया है, आप देख रहे हैं दोनों साइड आ गए। एक साइड आपको पकड़े रहना है और दूसरे साइड से आपको इसकी पत्ती और लॉक लगाना है। यहाँ पे मैंने इसका लॉक लगा दिया है। उसके बाद मैं इसमें वायर लगा के इसको स्क्रू से टाइट कर देता हूँ और सेम आपको दूसरे साइड करना है। यहाँ पे भी आपको अच्छे से पकड़े रहना है, यहाँ पे आपको पत्ती लगानी है, उसके बाद लॉक लगाना है और उसके बाद आपको इसे वायर लगा के टाइट कर देना है। तो यहाँ पे इसे रॉड को हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद मैं इसे आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि हाँ भाई ये काम करने लगा। तो ये मैंने इसे ऑन किया और आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी हीटिंग आने लगी धीरे धीरे और यहाँ पे ये जल गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी हमने काम किया, यानी कि इसे हमने फिक्स कर दिया और ये काम करने लगा। तो सेम काम आपको ऊपर वाले रॉड में भी करना है, अगर आपका दोनों रॉड ख़राब है। और अगर आपका एक ही रॉड ख़राब है तो आपका काम हो गया, इसे टाइट कर सकते हैं। तो मेरा दोनों रॉड ख़राब है, मैं दूसरे वाला भी ऐसे ही कर लेता हूँ। दूसरा वाला देखते हैं उसकी क्या सिचुएशन है। तो दूसरा वाला भी मैं इसी तरह ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे खोल लिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी सिचुएशन थोड़ी अलग है दूसरे वाले की तरह। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं पुराना वाला एलिमेंट बीच से कटा हुआ था नीचे वाले रॉड का, यहाँ पे ऊपर वाले रॉड का बेसिकली साइड से कटा हुआ है। साइड से यानी कि दो साइड से ये स्क्रू से टाइट रहता है,
तो एक साइड का स्क्रू जो है वहाँ पे निकल गया है। तो आप देख रहे हैं बीच से ये बिल्कुल नहीं कटा, ये साइड से कटा हुआ, तो हमको जो दूसरे साइड का है उसका स्क्रू ओपन करके इसे दोबारा टाइट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा ही ये टाइट रहता है यहाँ पे। तो मैं इसे सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसे ओपन किया, उसके बाद इसका नट निकाला और उसके बाद इस स्प्रिंग में मैं यानी कि जो एलिमेंट है उसमें फंसा दूंगा। अब फंसाने के बाद मैं इसको वापस इस साइड वाले में लगा दूंगा। यहाँ मैंने इसको लगा दिया, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने टाइट कर दिया, उसके बाद वापस इसको मैं अंडर डाल दूंगा। तो यानी कि ये जो रॉड है ये भी बन गया। अब इसको हमें हीटर में फिट करना है। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको धीरे से एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से इसको निकाल लेना है। उसके बाद आपको वही अपनी पत्ती लगानी है और लॉक करना है। ये मैंने इसे लॉक कर दिया और इसमें वायर लगा के स्क्रू से टाइट कर दिया। सेम आपको दूसरे साइड करना है। ये मैंने दूसरे साइड का भी सेट कर दिया। तो मैं आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने ऑन कर लिया और यहाँ पे दोनों रॉड परफेक्टली फाइन काम करने लगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप बिना कॉर्ड्स रॉड को बदले और बिना पैसा लगाए अपने रॉड को बना भी सकते हैं दोस्तों। तो बस आपको अब इसके बाद ये अपना हीटर बंद कर देना है। तो दोनों साइड का आपको प्लास्टिक लगाना है, उसके बाद चारों नट आपको टाइट कर देने हैं। तो वो भी मैं फटाफट कर देता हूँ। तो भाई लोगों ये मैंने सारा कुछ सेट कर लिया। आप देख रहे हैं पूरा हीटर टाइट हो गया और दोनों रॉड मेरे जलने लगे। यानी कि मैंने बिना एक भी पैसा खर्चा किए मैंने अपने दोनों रॉड को बना लिया दोस्तों। तो इसी तरह आप भी अपने हीटर को बना सकते हैं बिना एक रुपये खर्चा किए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।